डेरा गाजी खान में एग्जीक्यूटिव यूथ काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन के जेर एहतमाम ई लाइब्रेरी में यूथ पार्लियामेंट का इजलास हुआ। इजलास की सदारत यूथ पार्लियामेंट के सदर रहमतुल्ला ने की। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर फोर्ट मनरू डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहम्मद शरीफ, पीटीआई के जिले सदर मलक मोहम्मद इकबाल साकिब, इंचार्ज ई लाइब्रेरी शफकत रफीक समेत यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। क्योंकि ये सब आप लोगों का शिकवा होता है कि हमें सोशल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती, और नंबर दो सियासत के ऊपर अगर हम बात करें तो बेसिकली हमने ये जो छोटे सियासतदान हैं वो तैयार करे हैं। इस मौके पर यूथ मेंबर्स की जानिब से सेहत, ट्रैफिक सिग्नल और करियर काउंसलिंग के हवाले से ऐवान में करारदाद पेश की गई, जिसको कसरत राय के साथ मंजूर भी कर लिया गया। कोई एम होता है, एम्बिशन होता है, उसको भी आप करें, और साथ साथ जो है स्टेट को आपका एक विजन होना चाहिए कि हमने स्टेट को कहाँ से कहाँ लेके जाना है, और उसी के हिसाब से अगर यूथ वर्कआउट करे तो इंशाल्लाह डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान होगी और डेवलपमेंट ऑफ डेरा गाजी खान होगी। सदर यूथ पार्लियामेंट रहमतुल्लाह का कहना था कि सेहत और ट्रैफिक सिग्नल्स के हवाले से डीजी खान में मौजूद इंचार्ज से मुलाकातें करके अमल दरामद कराएंगे। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, डीजी खान।